Please. मान्य अध्यक्ष जी, खंड एक। जी हाँ, 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2023 तक विधानसभा क्षेत्र लाडपुर में शुभ शक्ति योजना के तहत कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लाभान्वित की संख्या 0 है। खंड दो, विधानसभा क्षेत्र लाडपुर में शुभ शक्ति योजना में 50 आवेदन निरस्त किए गए। आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण निम्न हैं। एक, आवेदक द्वारा अंशदान नियमित जमा न होना, संलग्न नियोजन प्रमाण पत्र सही नहीं होना, पुत्री आवश्यक होना अथवा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण न होना, पुत्री का विवाहित होना, आवेदक को गैर निर्माण श्रमिक होना। खंड तीन, निर्माण लागत की 1% उपकर राशि के रूप में एकत्रित मंडल कोष का आवश्यकतानुसार उपयोग विभिन्न योजना में किया जाता है। मंडल को राज्य अथवा केंद्र सरकार से बजट आवंटित नहीं होता। विभाग द्वारा योजनाओं में उल्लिखित शर्तों एवं पात्रता नहीं रखने वाले आवेदकों के आवेदन ही निरस्त किए जाते हैं। योजना आवेदन निरस्त होने पर सभी श्रमिकों को 3 माह की अवधि में पुनः सुनवाई हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष ऑनलाइन अपील करने की सुविधा भी दी गई है। अपील में पात्रता पाई जाने पर निम्नानुसार आवेदन स्वीकृत भी किए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहले बात तो मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र लाडपुर नहीं है, लाडपुरा है। लाडपुर खान में। अब आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने खंड एक के उत्तर में ये बताया है कि 98 आवेदन आने के बावजूद 0 आवेदन को लाभान्वित किया है। इसी संदर्भ में आपने खंड दो में आपने ये बताया है कि इन 98 में से 50 आवेदन निरस्त किए गए, ठीक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी 48 को लाभान्वित क्यों नहीं करा गया? क्या सरकार इन बाकी 48 को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? फिर एक हाँ, महान अध्यक्ष जी, कुल 13 योजनाएं आज आपको फुल छूट है, जितने प्रश्न पूछे होता है। महानदी जी, कुल राजा महाराजों के कारण ही आजादी मिली है, छूट छूट कर लाडपुर। महानदी जी, कुल 13 योजनाएं श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उसमें वर्तमान में जो पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, घोषणा के बाद में पूरी सर्वे किया गया पूरे राजस्थान में, और पात्र पात्र जांच होने के बाद में पुनः पहले मैंने कहा 143.33 करोड़ रुपये बांटे गए हैं, बाकी बांटे जा रहे हैं। वो केवल छोटी जो योजनाएं हैं, 9 योजनाएं 10 योजनाएं श्रमिक का कौशल विकास के लिए, श्रमिक के भविष्य सुरक्षा के लिए, प्रसूति सहायता के लिए, टूल कट के लिए, श्रमिकों के व्यवसायीकरण में ब्याज के पुनर्भरण के लिए, शिलों के स्पीडित इनके लिए, निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री आईटी आईएम में प्रवेश के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, निर्माण श्रमिक को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर जाने होने वाले व्ययकरण के लिए, निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिक उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय राजस्थान प्रसार सेवा के हेतु प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन, 10 योजनाओं की राशि देने की कार्य प्रण चालू है। 3 जो योजनाएं हैं जिसमें राशि ज़्यादा है, श्रमिक के सुलभ आवास योजना, शुभ शक्ति योजना, हिताधिकारी के सामान्य दुर्घटना की स्थिति में, ये जब 10 योजना की राशि हम दे देंगे उसके बाद में ये चालू करें, क्योंकि अभी 800-900 करोड़ हमारे पास है, 200 करोड़ के करीब, 225 करोड़ के आसपास बांटे गए हैं। जैसे इनके पूरे हो जाएंगे उसके बाद में इन तीनों को चालू करेंगे, ताकि आने वाले साल भर में पूरी राशि दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन सारी योजनाओं के बारे में नहीं पूछा है, मेरा मूल प्रश्न केवल एक योजना के बारे में है, शुभ शक्ति योजना के बारे में। ये मेरे को दूसरी योजनाओं के बारे में क्यों बता रहे हैं? जानकारी देने के लिए। मैंने मेरा मूल क्वेश्चन माननीय माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न ये है कि जो 98 आवेदन करने वाले थे, एक शुभ शक्ति कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी सारी 13 योजनाएं, हम ये कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी इनको जानकारी दे रहे हैं कि हम 10 योजनाओं पैसे दे रहे हैं, जैसे इनकी पूरी हो जाएगी आपकी शुभ शक्ति देना शुरू करेंगे। माननीय आपने मंत्री जी, आपको जानकारी के लिए धन्यवाद। इनका बहुत लिमिटेड प्रश्न है, 98 आदमी ने एप्लीकेशन दी, उनमें से एक ही आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं जो समझ पाया हूँ आपके उत्तर में, 50 आदमी के आपने रिजेक्ट किए, तो बाकी जो 49 बचे हुए हैं
उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा, ये उनका प्रश्न है। शुभ शक्ति में सब जगह पूरे जिले में पूरे राजस्थान में दिए गए हैं, पहले पाओ पहले आओ के स्थान पे ये हमारा आधार है, उसमें इनका मतलब जो 50 फॉर्म है इनको पहला स्थान, ये दूसरे विधानसभा में दूसरे क्षेत्र में आ गया होगा, मतलब जो पहले जो प्रायोरिटी थी प्रायोरिटी के आधार पे बांटे गए, हो सकते हैं आपके मतलब 22-23 में दिए हो या मतलब 21-22 में हो, ये तो 17 से स्कीम लागू है। नहीं नहीं मंत्री जी, आप इसका मतलब ये, मंत्री जी मतलब ये है कि जो प्राथमिकता है वो विधानसभा वाइज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। आपकी जो प्राथमिकता है, यदि ये प्राथमिकता में नहीं आ रहे तो प्राथमिकता का आधार क्या है, विधानसभा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट? स्टेट 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 या आप ये बता, फिर बोलो ना स्टेट की प्रायोरिटी में नहीं आ रहे, स्टेट तभी तो नहीं है, स्टेट वाइज। पूजा मान्य वदस, ये जो आपने निरस्त करे हैं, इनमें से कितने आवेदन अपील में आए हैं, इन सारे अपील की सुनवाई आपने कब करी, और अपील की सुनवाई करने के बाद आपने क्या निर्णय लिया? फिर मेरा एक और क्वेश्चन है। सर माननीय अध्यक्ष जी, अपील करने का अधिकार 3 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं, खारिज होने का कारण है आवेदक को आवेदकों का गृह निर्माण कार्यों में नियोजित नहीं होना, जिला कलेक्टर द्वारा कराए गए सत्यापन में लगभग 25% पंजीकरण श्रमिक निर्माण कार्य नियोजित नहीं पाए गए, आवेदक द्वारा अंशदान नियमित जमा न होना, संलग्न नियोजन प्रमाण पत्र सही नहीं होना, कई बार श्रमिकों द्वारा एक दूसरे को नियोजित प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, पुत्री आवश्यक होना अथवा आठवीं के साथ उत्तीर्ण होना, पुत्री का विवाह नहीं होना। अभी तक कोई भी अपील आपके यहाँ नहीं आई है, सिर्फ मतलब 50 ही सही रखें, बाकी जो खारिज किसी अपील नहीं है, पेंडिंग नहीं है, इन्हें अपील की है। आप क्यों माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत दुखद ही सिचुएशन नहीं है, है? प्रथम बार का विधायक और सीनियर मिनिस्टर दोनों के बीच का संवाद हो रहा है। नहीं अध्यक्ष जी, ये योजना किसके लिए बनाई गई है? आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवार की बेटियों महिलाओं के लिए ये योजना है, और 3 साल से लेके आप ही आवेदन लेके बैठे हैं और एक भी को आपने लाभान्वित नहीं कराया है, ये बहुत। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इन जो 48 जो बचे हैं इनको आप कब लाभान्वित करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये शुभ शक्ति योजना इनके कार्यकाल से बंद की हुई है, हमने कोई बंद नहीं किया, इनके कार्यकाल से बंद की हुई है। मान झूठ क्या सही है, इनके कार्यकाल आप बोलो तो ठीक है, ये बोला सुन्नत हुआ। हम आश्वस्त करते हैं कि जैसे ये जो 10 योजना है इनकी पूरी राशि वितरण हो जाएगी, ये 3 योजना के देना शुरू कर देंगे। मान सदस्य गर्ग साहब, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, है आपका सपोर्ट भी, हाँ पूरा सपोर्ट, आप चौथा प्रश्न लो कर रहा हूँ मैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं राजस्थान की, तो मुझे बता दें आपने राजस्थान इस प्रदेश में कितने लोगों को इस योजना तहत लाडपुरा के बारे में पूछे? नहीं, मैंने तो पूछा, पर जवाब में वो जवाब अगली बार देंगे, लाडपुरा का पूछे आप कब तक देंगे, मैं ये पूछ रही हूँ, तो एक स्पष्ट डेट बता ही नहीं रहे मुझे। माननीय सदस्य वो ये कह रहे हैं, माननीय रामलाल जी वो ये बोल रहे हैं कि 49 आदमी जो जिनको आप नहीं है उन्होंने अपील नहीं की है, आप ना मैं सुना उत्तर आप सुनने नहीं है, आप प्रश्न पूछने में लगे हुए हैं। 49 की आप एप्लीकेशन दीजिए, वो उसकी जांच करवा लेंगे और उसमें एलिजिबल होगा, उनको भी मदद कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, केवल जो 50 निरस्त हुए उसके अपील के बारे में पूछा था, जो 48 बचे हैं वो तो अपील में अपात्र को तो नहीं मिल पाएगा, अपात्र तो निकल गया, अपात्र नहीं मिल पाएगा, उन 50 के अलावा जो है उनका रिव्यू कर दे। उन 50 की नहीं पूछ रही मैं, 48 जो निरस्त नहीं हुए हैं उनकी पूछ रही। उन्होंने अपील नहीं की है, अपील नहीं करी है तो स्वीकृत क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी दोबारा बोल दे, माननीय अध्यक्ष जी, अब आप ध्यान दे, माननीय गर्ग साहब, जो पात्र बचे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जो पात्र बचे 48 है, सुने ध्यान से सुने आप, 48 जो पात्र बचे हैं, जैसे ही 10 योजनाओं की राशि पूरे राजस्थान में दे दी जाएगी, उसके बाद में 3 जो बड़ी योजनाएं उनकी राशि देने शुरू करेंगे, जैसे पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से आपको भी मिलेगी। अगला प्रश्न सिटी का